हे देयर गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं आपका फैंसी पोके स्टार। और आज हमारा गेम प्ले होने वाला है डोडरियो पोकेमोन से, जो एक नया स्पिरिट स्टार यूनाइट में आज ही आया है, मतलब 15 सितंबर को। और भाई इसका बिल्ड है ये रहा, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और वही अटैकिंग एम्बलम्स लगा है जो मैं हर पोकेमोन में लगाता हूँ। और इसमें भाई मैं अभी सीख रहा हूँ कि भाई मेरी ये फर्स्ट मैच ही, और मतलब मैं सीख रहा हूँ एक टाइप से, फर्स्ट मैच नहीं, मैंने प्रैक्टिस में ट्राई किया, मतलब ये थोड़ा हार्ड है, ये जॉयस्टिक से चलता है। नॉर्मली हम जैसे मूव एम करते हैं वैसे ये नहीं चलता, ये जॉयस्टिक से चलता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। मतलब अगर मेरे को कोई पैक अटैक भी मारना है तो भाई जॉयस्टिक से मारना पड़ रहा है, मतलब जॉयस्टिक को हिलाना पड़ रहा है, इस टाइप से ये वर्क करता है। और जैसे कि आपको ये दिख रहा है, एक छोटी सी लाइन दिख रही है वाइट कलर की, बार बार आ रही है वो, जैसे कि अगर आप भागोगे मतलब चलोगे तो ये लाइन मतलब आती रहेगी, और आपका जो अटैक है उसको एक बूस्टेड अटैक में चेंज कर देगी, मतलब पावरफुल अटैक के अंदर चेंज कर देगी। इसके अटैक थोड़े से कम स्ट्रांग, मतलब वीक होते थोड़े से जब वो फुली, ये देखो जैसे मेरा वो लोड हुआ पूरा, वैसे ही अब मेरी ड्रिल पैक बहुत लंबे टाइम तक चलेगी। और भाई जो स्टन मिला था उसको, इसके ऊपर स्टैक तो भाई फिक्स ही है, इसका जो स्टैक बहुत ही बढ़िया होता है। और हाँ, ये वाले जोन के अंदर हमारा जो ये बार है वो कभी भी फिल नहीं होता है, अगर आप कभी भी ध्यान रखो तो ये वाले बार के अंदर फिल नहीं होने वाला, कि भाई नॉर्मल स्पीड के बाद ही ये फिल होता है। और भाई यहाँ पे मेरा बूस्टेड अटैक चला नहीं, और ये एकदम फ्लोट स्टोन टाइप का, मतलब सस्ता फ्लोट स्टोन है, कि मतलब जैसे ही आपने किसी को टच किया एनिमी को, या फिर एनिमी ने आपको टच किया, तो आपकी जो पावर होगी वो चली जाएगी भाई। और वो भाई आधी एचपी खा गया मैं सामने वाले डोडरियो की, भाई मतलब ये है तो बड़ा स्ट्रांग, बट भाई उसको लिए फुल करना पड़ता है इसको स्टैक, और यार मेरा वेस्ट हो गया क्योंकि वो पहले से ही आ गया था सामने। तो अभी थोड़ी देर जंगल कर देता हूँ मैं, इस यहीं जंगल में ट्राई करूँगा कि भाई कैसे सीखते, भाई एक बार अच्छे से जंगल में ही ट्राई करो। अगर आप भी फर्स्ट टाइम चला रहे हो तो पहले आप प्रैक्टिस में चला रहो, फिर ऐसे ही अगर आप जंगल मिल रहा है या फिर फार्म मिल रहा है, फार्म के ऊपर ट्राई करो कि भाई ये कैसे चलाते। और मेरी जम किक आ गई है भाई, और यहाँ पे मेरी एचपी काफ़ी ज़्यादा लो है, बट छोड़ो भाई अब देखते। अरे यार क्या ही मिस किया भाई, दोनों अटैक मैंने मिस कर लिए बहुत ही गंदे तरीके से, भाई किसी ने कुछ नहीं देखा, काफ़ी वाहियात तरीका था ये, बट फिर भी भाई अभी मैं सीख रहा हूँ तो अब छोड़ ही दो। मेरी एचपी एक पे थी तो भाई मैं वापस आ गया भाई, मतलब फार्म करने में थोड़ा ऐसा था मेरे को। और भाई गिबाइट यहाँ क्या कर रहे हैं यार, अरे यार मेरा बूस्टेड अटैक तो चला गया, बट भाई हाई जंप किक का भी, मतलब सॉरी ये जंप किक का भी डैमेज बहुत ज़्यादा है, और मैं स्टील करने की ट्राई ज़रूर करूँगा, बट पता नहीं भाई क्या पता स्टील होगा या नहीं, क्योंकि भाई यहाँ पे तो ये पीछे पड़े हुए देख रहा है। ओके मेरी यूनाइट आ चुकी है यार, चलो घुस ही जाते भाई, स्टीलिंग वीलिंग का भूल ही जाओ अब। ओके यहाँ पे तो कोई है ही नहीं यार भाई, ओके यहाँ पे ये था। और भाई हमारा निंजा तो बहुत ही तगड़ा खेल रहा है यार, अरे यार मेरा अटैक मिस हो गया, ओके बट हमारे निंजा ने ले लिया। और भाई मैं इसकी सिर्फ, अगर आप, मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि एजिलिटी भी आप खेल सकते हो, क्योंकि एजिलिटी जब आप खेलोगे इसके साथ तो भाई एक एक ही बारी में ये मूव आ जाएगा, जो ये आपकी जो वेट करना पड़ता है वो वेट नहीं करना पड़ेगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। बट फिर भी हाई जंप किक का डैमेज मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और भाई मैं बहुत गंदा मरा, पता नहीं हम पुश करवाने क्यों गए थे। पुश करवाने के बाद भाई अच्छी खासी लेवल दे के मैं आ चुका हूँ, और वापस मैं फार्म कर रहा हूँ। बट हाँ क्या कहते हैं, इसके ऊपर स्कोप लेंस काफ़ी अच्छा वर्क करता है, इसके ऊपर मूवमेंट नहीं फ्लोट स्टोन, हाँ सॉरी मूवमेंट स्टोन नहीं फ्लोट स्टोन, क्योंकि भाई हमारी स्पीड इंक्रीज इसमें हो जाती है तो भाई और ज़्यादा अच्छे से स्पीड इंक्रीज होती है। और भाई अब इसके पीछे पड़ू भाई, आधी बीज चलो मैंने ले ली, कुछ नहीं तो भाई बीज लेने में ही काम आ गया। और भाई नहीं 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 थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे, सो संभल के खेलना होगा। भाई गाचो की इतनी एचपी, ओ भाई गाचो ने अल्टी चला दी, भाग लो यहाँ से। अरे यार नहीं 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 भाग लेना चाहिए था मेरे को भाई, गलत घुस गया, अच्छा खासा बच गया था, बट फिर भी एंड में उसके अल्टी के अंदर घुस गया पता नहीं क्यों। और यार नीचे भी अलग फाइट चल रही है भाई, मिस्टर भाई अकेले दो बंदों से लड़ रहा है यार, क्या क्या ही बेहूदी चीज़ है भाई यार, बेचारे मिस्टर मैम को सब छोड़ के आ गए। बट जल्दी से भागना होगा मेरे को, और मैं ट्राई करूँगा भाई वहाँ पे उनको रोकने का। भाई मेरी अल्टी घंटा किसी को नहीं लगी, ओ हेलो हेलो मियू भाई, नहीं 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 यार वो एक एचपी है, लुक आ रही हो भाई, नहीं इसको तो नहीं छोड़ूंगा भाई, नहीं 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 भाई, ओके नाइस, नहीं 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 ये भी वापस, अरे यार लुका रहे फिर, नहीं यार
मार के ही रोगा इसको तो भाई, लुकारियो ने अपनी अल्टी से ही मुझे मार दिया। अरे यार भाई, कितनी बार मरूंगा मैं इस गेम के अंदर। अब फाइनली डोड्रियो वर्सेस डोड्रियो हो ही जाए भाई। कौन सा डोड्रियो है ये, तो ऐसे ही मर गया भाई। बट ऑलरेडी आती है एचपी था भाई, ये तो कुछ काम का ही नहीं था। बट हाँ, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ कि इसकी जो एचपी है मुझे काफ़ी कम लगी यार। मतलब जिस हिसाब से इसकी पावर है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बट इसकी एचपी काफ़ी ज़्यादा कम है। और यहाँ पे पुश करवाने का मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ भाई, देखते हैं हम पुश करवा पाएंगे या नहीं। अरे एक तो ये लुकारियो से भाई पुश तो हो गया, बट मेरे को ये लुकारियो से तो अलग ही नफरत हो गई है यार। मैं वापस नहीं मरना चाहता, प्लीज़। ओके भाई, क्या ही बचाया मिस्टर माइम ने अपनी अल्टी से, थैंक यू मिस्टर माइम। और भाई मतलब काफ़ी अच्छा लगा मेरे को ये डोड्रियो। बट हाँ, इसको चलाना काफ़ी टफ है। मतलब जॉयस्टिक, जैसे जैसे मैं यहाँ जॉयस्टिक चला रहा हूँ वैसे वैसे मेरे मूव चल रहे। ये देखो, मैंने ऐसे जॉयस्टिक चलाई, ऐसे मेरा मूव चला, इस टाइप से ये वर्क करता है। तो ये काफ़ी, ओ भाई ये मेरे पीछे पड़ रहा है। ओ हेलो भाई, क्या ही मज़ा आया यार ट्रोल करने में, इससे बड़ा मज़ा आता है। मैं तो भाई अब फाइट ले रहा हूँ। और भाई चलो, एक बंदे को मार के मराऊँ कम से कम मराऊँ तो। कोई ना भाई, लुकाजे से मैं बहुत बदले लेने वाला हूँ। अरे नीचे शायद थोड़ी फाइट चल रही है, तो मैं जल्दी से नीचे भागता हूँ यार। कोई तो मिल जाओ यार। ओ लुकारियो भाई, उससे तो अभी बदला लेने का सोचा था, अभी लुकारियो मिल गया। हेलो, हैं ये क्या था भाई, मेरा तो अटैक ही वेस्ट हो गया भाई। मैं नहीं लड़ रहा भाई, भाग जाओ यहाँ से। जो कुत्तों की तरह मारने वाले सामने वाली टीम वाले, भाई भाग ही जाओ। फ्लोट स्टोन प्लस ये इसकी पैसिव भी यही है कि हमारी स्पीड इंक्रीज कर लेता है। और मैं यहाँ पे छुपा हूँ भाई। अरे यार मैं इससे छुप भी नहीं सकता, अगर छुप गया तो वो नीचे का जो बार है स्पीड बार, वो गायब हो जाता है यार। अरे डोड्रियो इधर भाई, कहा था ना बार गायब हो जाता है, बार गायब हो गया। ओके भाई, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं मरना चाहता मैं, अभी नहीं भाई। बहुत बहुत गलत टाइम पे मारा है भाई इस लुकारियो ने, इससे तो मैं बहुत बदले लूँगा मैं। फाइनली मैं आ चुका हूँ भाई वापस। और मैंने देखा कि भाई अल्टी से लोग स्टील कर देते हैं भाई। मेरे को तो पता नहीं, मैं तो जिस हिसाब से खेल रहा हूँ मुझे नहीं लगता मैं इससे स्टील कर सकता हूँ। और मैंने पहले ये जम की गलत चलाई, मैं आपको पहले सिखा देता हूँ कि कैसे चलाते भाई। मैंने अल्टी का जो कबाड़ा किया है अभी, मतलब क्या कहते हैं, पहले आप ये ड्रिल पैक चलाओ, उसके बाद जम की चलाओ, उसके बाद वापस ये ड्रिल पैक चलाओ। मतलब ओ हेलो भाई, नहीं 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 भाई, उसके एक अटैक ने भाई मेरे को ये मुंह को वेस्ट कर दिया। और भाई थोड़ा पीछे रहता हूँ मैं। ओ ग्रेनिंजा की शील्ड भी तोड़ दिया। पीछे जाने का कोई फ़ायदा नहीं भाई, फाइट में घुस ही जाते हैं। थोड़ा ट्रोल करो, थोड़ा पीछे भागो। मतलब इससे ये चीज़ करने में जो मज़ा आता है, वापस ट्रोल करने जाऊँगा मैं। अरे यार ट्रोल तो नहीं हुआ इस बार, बट हाँ गोल करने की कोशिश करता हूँ। ओके मेरा गोल हो गया यार। इसकी ये सबसे अच्छी बात है कि भाई आधे आधे गोल करते हैं, तो भाई ओवरलोड तो हम नहीं कर सकते, बट भाई कम से कम हम काफ़ी अच्छा, मतलब जल्दी गोल तो कर सकते हैं, अच्छा तो नहीं बट हाँ जल्दी गोल कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और भाई वो एक साथ आ रहे सब, भाई घुस जाओ, मैं मरूंगा मुझे पता है, बट फिर भी भाई किसी को परेशान करके मरूंगा। और भाई वापस, भाई लुकारे को मैं छोड़ना नहीं चाहता यार, बहुत ट्रोल किया है भाई पूरी गेम में इसने। गेम इज़ नाउ ओवर और भाई हम ही जीते, उन्होंने कोई स्कोर नहीं किया। वाह भाई, हम इतने मस्त स्कोर से जीते। और पोके एक्स स्क्वाड बाय द वे क्रेजी चार्टिजार्ड एक्स है, वो काफ़ी बार हमारे चैनल पर कमेंट करता है। मैं डैमेज देखना चाहता हूँ, 68,000, मतलब काफ़ी अच्छा पोकेमॉन है, बुरा नहीं है, ट्राई कर सकते हो। और ये 1 वीक बाद मिलेगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।